हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल, यानी मेक योरसेल्फ यूनिक इन सिविल इंजीनियरिंग और व्हाट एवर यू डूइंग। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक 3D डिटेलर, यानी आप लोग बार बार सोच रहे होंगे, जिधर भी मार्केट में जाते होंगे, टेक्ला सिविल इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट में कहीं भी जाएंगे वहां पे आपको टेक्ला पता चलेगा। किसी कंपनी में जाएंगे अप्लाई करने के लिए, बोलेंगे टेक्ला आता है क्या? तो टेक्ला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और टेक्ला सॉफ्टवेयर मस्ट क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको प्रॉपर क्लियर होगा, नहीं तो आधा इधर रहेगा और आधा इधर से निकल जाएगा। ऐसा मत करो, अच्छे से प्रॉपर समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे टेक्ला में क्या क्या चीजें सीखना चाहिए और टेक्ला सीखना क्यों चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो दोस्तों, आप लोग जब जाते हो किसी जगह पे और वहां पे देखते हो कि वहां पे प्रोफाइल है टेक्ला डिटेलर की, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे तो टेक्ला सीखना है कि टेक्ला डिटेलिंग सीखना है। नहीं, टेक्ला जब आप सीखते हो तो इसमें तीन प्रोफाइल होती है। पहला होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट मॉडलिंग, उसके बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेलिंग, और उसके बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटिंग। मतलब मॉड्यूलर की एक पोजीशन होती है, एक डिटेलर की होती है और एक एडिटर की पोजीशन होती है। मींस तीन प्रोफाइल होती है टेक्ला के अंदर। बट कई ऐसी ढेर सारी कंपनियां हैं जिसमें तीनों प्रोफाइल एक ही इंसान करता है, कई ढेर सारी है जिसमें दो प्रोफाइल पे काम एक ही इंसान करता हो और किसी में इंडिविजुअल भी करते हैं। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि अगर आप मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आप ऑलराउंडर बन जाइए लाइक युवराज सिंह। क्योंकि ऑलराउंडर बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अभी IPL में युवराज सिंह बहुत ही ज्यादा महंगे बिकने वाले हैं। मींस आपका भी पैकेज अच्छा हो सकता है अगर आपको हर एक काम आता है तो। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक काम के लिए एक्सपर्ट है तो यार, जो बंदा तीन काम के लिए एक्सपर्ट है, पहले हम उसको हायर करेंगे, जगह बची तो हम तुम्हारे लिए सोचेंगे। तो ये तीनों प्रोफाइल आपके पास होती है, एडिटर की, मॉड्यूलर की और डिटेलर की। अगर तीनों प्रोफाइल में आप मास्टर्स हैं तो आप समझ जाइए कि आपको पैसे की कमी तो नहीं होगी। अब जब सीखने जाते हैं तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान देना चाहिए, टेक्ला में सिखाया क्या क्या जाता है, क्या क्या सीखना है आपको वहां से। देखिए, पहला आपको वहां पे सिखाना चाहिए वहां पे उनको स्टील डिटेलिंग, दूसरा उनको सिखाना चाहिए कंक्रीट डिटेलिंग मींस RCC डिटेलिंग, और तीसरा उनको सिखाना चाहिए प्रीकास्ट डिटेलिंग। कई ढेर सारे इंस्टीट्यूट है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कई ढेर सारे इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ स्टील डिटेलिंग सिखा दे रहे हैं, कोई कंक्रीट डिटेलिंग सिखा दे रहा है, यही टेक्ला है ऐसा करके बता दे रहे हैं। बट जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है बीम टू कॉलम कनेक्शन कैसे करेंगे, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉलम टू कॉलम कनेक्शन कैसे करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने केवल मॉडलिंग सीखी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मॉडलिंग सीखी है तो आप सिर्फ मॉडलिंग के पोजिशन के लिए जाओ, न कि डिटेलिंग और एडिटिंग के पोजिशन के लिए, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, फंस जाओगे। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसमें तीनों प्रोफाइल के लिए अगर हम मास्टर हैं तभी अच्छा होगा। और आपको क्या लगता है कि केवल और केवल टेक्ला सीखने से आपको 20-25 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, तो फिर आप बीटेक करने की जरूरत क्या थी, बी करने की जरूरत क्या थी, डायरेक्ट टेक्ला सीख के चले जाते ना? नहीं, बिल्कुल आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि केवल टेक्ला सीखने से आपकी जॉब लग जाएगी तो आप गलत समझ रहे हैं। टेक्ला के साथ आपको वो सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप RCC पे काम करने जा रहे हैं तो आपको RCC का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे टेक्ला डिटेलर, मॉड्यूलर और एडिटर बन सकते हैं। अगर आप स्टील के लिए जा रहे हो, मीन्स स्टील डिटेलर के लिए जा रहे हो, तो आपको अच्छे तरीके से स्टील स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। अगर स्टील स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है तो आप टेक्ला सीख भी लोगे, कसम से बता रहा हूं, आपका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर सीखना है, एक हफ्ते का खेल है भाई, एक हफ्ते का। अगर किसी को लगता है कि नहीं, एक हफ्ते में नहीं सीखा जा सकता है, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, एक हफ्ते में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में सिखा सकता हूं, इवन टेक्ला भी। लेकिन आपका अगर टेक्ला में आप स्टील सीखने आ रहे हो तो स्टील डिटेलिंग अच्छी होनी चाहिए, मीन्स आपका स्टील का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। कंक्रीट सीखना है तो कंक्रीट मीन्स RCC का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। प्रीकास्ट सीखना है तो प्रीकास्ट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो क्या करेंगे, वो आपको, इससे उनको मतलब नहीं है कि आपको जॉब लग रही है या नहीं लग रही है, वो आपको सॉफ्टवेयर सिखा देंगे और उनका काम है वो सिखा देंगे, क्योंकि वही उनको मिला है। बट क्या आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने से जॉब मिलेगी? नहीं, तो फिर 50,000 रुपये क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई? 50,000 रुपये वेस्ट करना है तो पहले आप सब्जेक्ट का नॉलेज लेके जाओ, मीन्स RCC का नॉलेज लेके जाओ, प्रीकास्ट का नॉलेज लेके जाओ और स्टील का नॉलेज लेके जाओ,
और इसके बाद इसके रिलेटेड जो कोड है जैसे IS 800, IS 456, इनको अच्छे से पढ़ के जाओ। फिर क्या होगा, फिर जब कनेक्शन लगेगा बीम टू बीम तो आपको क्लियर होगा कि बीम टू बीम कनेक्शन ऐसे देते हैं। मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, पहले मुझे खुद भी स्टील का ज़्यादा नॉलेज नहीं था क्योंकि मैं मैक्सिमम काम RCC में करता था। तो जब मैंने टेक्ला सीखा तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे स्टील के। RCC तो खूब अच्छे से क्लियर हो गया बट स्टील के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे। तो फिर मैं सोचा आप क्या करो यार, ये तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा होता ना कि नहीं ये तो अपन कर लेंगे, मुझे नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने एसके दुग्गल सर की बुक ली स्टील की, थोड़ी सी हार्ड है, आप लोग दूसरे भी बुक ले सकते हो, जरूरी नहीं कि वही लो, क्योंकि थोड़ा लेवल है उसका बहुत ज़्यादा। तो टाइम तो लगा क्योंकि ऑफकोर्स लाइक बुक थोड़ी सी टफ है, बट मैंने जब इसके दुग्गल सर की बुक पढ़ी, वैसे मैं आपको बता दूं मैं इसके दुग्गल सर का स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत प्राउड के साथ मैं बोलता हूँ ये चीज़, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इतने बड़े एसके दुग्गल सर और मैं उनका छोटा सा स्टूडेंट, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब कि मैंने उनसे भी सीखा, उसके बाद भी मैंने जब बुक पूरी पढ़ी एक एक करके सीखा तो बहुत देर बाद मुझे समझ आया कि अच्छा कि ये है एग्जैक्ट आपका स्टील का कनेक्शन, स्टील का मतलब सब कुछ स्टील के बारे में बहुत प्रॉपर समझ में आ गया उस बुक के बाद। तो दोस्तों प्लीज आप जा रहे हैं तो इनको बहुत ध्यान रखिए कि पहले आपको सब्जेक्ट्स अच्छा करना है और फिर आपको जाना है किसी भी प्रोफाइल के लिए सॉफ्टवेयर सीखने के लिए। इवन ये तो चला ही स्टील की मतलब टेक्ला की बात, टेक्ला के अलावा भी दूसरी सॉफ्टवेयर लाइक स्टैट प्रो रिटैप सीखने आप चले जाते हो, मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं तो मुझे पता है, लेकिन आप पैसे सिर्फ खराब करते हो। क्यों पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने सही से RCC नहीं पढ़ा है तो फिर आपको कोई मतलब नहीं स्टैट प्रो रिटैप सीख के, क्योंकि आपको सब क्लियर ही नहीं होगा, फंडा ही क्लियर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि लोड कॉम्बिनेशन लगा क्यों रहे, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि फैक्टर्स लगा क्यों रहे, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा सपोर्ट प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स ही क्यों रखना है, पिन क्यों नहीं। अब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको पता नॉलेज होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने चले जा रहे हैं और सॉफ्टवेयर हम सीख भी ले रहे हैं, जो प्रोसेस होता है वो कर लेते हैं, प्रोसेस तो यार वही होता है पर उसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज कॉन्सेप्ट पढ़ के तब सॉफ्टवेयर सीखने जाओ तो आपको फायदा होगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि आप कहीं पर भी जा रहे हो टेक्ला की इंक्वायरी लेने के लिए या मेरे पास आ रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो तो आप तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, वो क्या आपको एडिटिंग सिखा रहे हैं, मॉडलिंग सिखा रहे हैं और डिटेलिंग सिखा रहे हैं क्या, पहला एक तीन चीज़ का सेट हो गया। दूसरा क्या आपको RCC सिखा रहे हैं, आपको प्रीकास्ट सिखा रहे हैं, आपको स्टील सिखा रहे हैं, अगर ये तीनों सिखा रहे हैं तो बेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है और आपको सीखना क्या क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आप ठगे नहीं जाएंगे और आपका पैसा अच्छे जगह यूटिलाइज हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा, इन तीनों चीजों को सीखने से पहले आप प्लीज सब्जेक्ट का नॉलेज सीख के जाना, इससे बहुत दिक्कत होती है बिना सब्जेक्ट का नॉलेज ले लिए। सामने वाले ट्रेनर को भी प्रॉब्लम होती है ट्रेंड कैसे करें और आपको तो प्रॉब्लम होती है कि समझ में कैसे आए, क्योंकि सिर्फ वर्क देखने से आपका सॉफ्टवेयर क्लियर नहीं होता, सॉफ्टवेयर काम करने से क्लियर होता है, काम तब कर पाओगे जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, यही मैसेज आपको देना था। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर टेक्ला की क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। हाँ यार, मैंने भी सोचा था कि मैं टेक्ला की क्लासेस स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मेरा डेली का काम वही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मैंने टेक्ला का वीडियो बनाया 21-22 व्यूज आते हैं तो अभी थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है ना। अब देखिए मैंने अभी धीरे धीरे मतलब एडिटिंग भी मैंने लगभग बंद ही कर दी है क्योंकि आपका भी सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर मतलब कुछ लोग तो कर रहे हैं, ऐसा मैंने करा सब ही ऐसा कर रहे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं अपन सुन लिए ना बहुत है नॉलेज, थोड़ा सा शेयर बटन पे क्लिक करके दूसरों को शेयर नहीं करते। तो 21-22 व्यू या 50 व्यू में मैं क्या दिखाऊंगा, मीन्स इतना मैं मेहनत करूँ, चलो टेक्ला का सॉफ्टवेयर का वीडियो बनाऊँ और फिर उसके बाद मैं आप तक पहुँचाऊँ और आपके पास आने के बाद मेरा डिमोटिवेशन हो जाने लगता है, अरे यार कितने व्यू, 50 व्यू, 30 व्यू, तो मेरी टीम वाले भी बोलते हैं यार क्या कर रहे हो फिर इतना मतलब इतना कैसे क्यों करने का। तो इसकी वजह से मैं टेक्ला के वीडियोस नहीं तैयार कर रहा हूँ या और भी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके वीडियोस नहीं तैयार कर पा रहा हूँ। मेरा एक फंडा है कि अगर हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो होना चाहिए, जिसके लिए टाइम लगता है, सारा कुछ अरेंज करना पड़ता है। अच्छा ये है, अगर विंड एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए सारा IS कोड में मैनुअल कैलकुलेशन वगैरह सब सेट होना चाहिए, PPT में सब होना चाहिए, तब मैं आपको प्रेजेंट करूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और इन सबको करने के लिए आपको यार टाइम दूंगा और टाइम देने के बाद मैं देता भी हूँ टाइम, आपने देखा है कि किस तरीके से मैं एडिटिंग वगैरह करके आप तक पहुँचाता हूँ वीडियो, लेकिन उसके बाद जब मैं व्यूज़ देखता हूँ 100, 200, 300, नहीं यार नहीं होता ऐसे, क्यों, क्योंकि पीछे भी लोग हैं उनको भी देखना होता है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़े तो शायद व्यूज़ अच्छे आएंगे,
तब मैं डेफिनेटली बनाऊंगा वीडियोस टेगला के लिए। ईटैप्स के भी कुछ सीरीज बाकी है, ईटैप्स के भी कुछ वीडियोस तैयार करूंगा, ऐसा नहीं नहीं करूंगा, लेकिन अभी तक तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे को मतलब मैंने जो वीडियोस बनाए टेगला पे मुझे कोई भी उसमें सक्सेस नहीं मिला। और अब इसका रीजन क्या है पता नहीं, मैं तो अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए, आप अगर थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर समझ में आने लगेगा, लोगों को भी लगेगा नहीं यार है कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है। और क्या बोलते हैं, जब पहुंचेगा नहीं उनके तक तो उनको पता कैसे चलेगा। तो बस आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, करना क्या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यही चीज आप इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको 50,000-60,000 का एक कोर्स पड़ता है, आपको पता भी होना चाहिए और बाकी लोगों को पता भी होगा जो लोग गए होंगे इंस्टीट्यूट में। 50,000 का टेक्ला का कोर्स है, 20,000-25,000 का ईटीएफ का कोर्स है, वही चीज आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आपको लगता है नहीं यार ऐसे, ये मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूँ जो सिर्फ सुनते हैं शेयर नहीं करते हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो बहुत शेयर करते हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, बट कई लोगों को मेरे व्हाट्सएप पे भी है, वो लोग अपने स्टेटस लगा के रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनके लिए और उन्हीं के लिए मैं आता भी हूँ। और जो लोग नहीं शेयर कर रहे यार थोड़ा सा कर दो, जिससे कि ज़्यादा व्यूज आने लगेंगे तो डेफिनेटली हम टेक्ला पे भी वीडियोस बनाएंगे। और अगर आपको टेक्ला में ही वीडियो चाहिए तो भी नीचे कमेंट करो सर, प्लीज़ ओनली टेक्ला, मैं टेक्ला का ही वीडियो बनाऊंगा, मुझे क्या है, मैं तो दिन भर वही काम करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका सपोर्ट रहेगा तो सब्सक्राइबर आएंगे, तो व्यूज़ आएंगे, तो फिर मुझे और मैं थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह भी करवाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, बट एडिटिंग के लिए इकोनॉमी की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो प्लीज़ सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके, बस इतना ही तो करना है। और एक लाइक देने में क्या बनता है यार, इतना कुछ आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन मिलता है, किसी कंसल्टेंसी में जाते हो आपसे काफ़ी पैसा ले लेंगे उसके बाद यही आपको बता देंगे, दिक्कत क्या है, अपन को फ्री का सुनने की आदत नहीं है ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पे। तो प्लीज़ जो अभी लोग सपोर्ट कर रहे हो थोड़ा सा अच्छे से सपोर्ट कर दे यार, जिससे मैं थोड़ा और ज़्यादा वीडियोस तैयार कर सकूँ। टेक्ला के मैं सारे टॉपिक्स का वीडियो तैयार कर सकता हूँ सिर्फ आपके सपोर्ट से, अगर आप लोग नीचे कमेंट करें टेक्ला टेक्ला टेक्ला। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपने कितने लोगों को शेयर किया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।